डाउन सिंड्रोम पर जागरूकता बढ़ाने के लिए हाथों में संदेश लिखी तख्तियों के साथ हजारों की संख्या में रैली में शामिल छात्र छात्राएं, चिकित्सक, स्वयंसेवी संस्था प्रतिनिधि और भोपाल जिला प्रशासन के अधिकारी कर्मचारी उपस्थित थे। रैली में डाउन सिंड्रोम से ग्रस्त बच्चों के सामान्य जीवन के लिए जन जागरूकता बढ़ा रहे थे। रैली का आयोजन डाउन सिंड्रोम विश्व दिवस पर समर्पण द्वारा किया गया था। लगभग 1 किलोमीटर लंबी रैली में महापौर आलोक शर्मा, सांसद आलोक संजर, स्वास्थ्य विभाग की प्रमुख सचिव गौरी सिंह ने हिस्सा लिया। भोपाल में डाउन सिंड्रोम दिवस पर पहली बार आयोजित रैली में मुख्य अतिथियों ने भी भाग लिया। कलेक्टर निशांत वरबड़े सहित सभी अधिकारी कर्मचारी रैली में शामिल हुए। रैली के आयोजन का उद्देश्य अप्रैल के प्रथम सप्ताह में 4 अप्रैल से मनाए जाने वाले डाउन सिंड्रोम सप्ताह के पहले डाउन सिंड्रोम के संबंध में जन जागरूकता बढ़ाना था। इसमें ये एक बच्चों का जो अर्ली डेवलपमेंटल डिले है उससे संबंधित एक बीमारी है, मगर इसका जो जागरूकता देने का जो पर्पस है, आज विश्व डाउन दिवस भी है और इसका पर्पस ये है कि जो हमारे बच्चे घरों में है उनको हम चाहते हैं कि उनके जो माता पिता हैं उनको बाहर लेके आए। उसमें कई ऐसे हमारे पास फिजियोथेरेपी और अन्य ऐसी चीज़ें हैं जिनके माध्यम से उनको एटलीस्ट फंक्शनल बना सकते हैं बच्चों को। तो इस प्रति एक इसको ऐसा न करें कि उन बच्चों को ऐसे जैसे घरों में रखते हैं कि एकदम छुपा के रखते हैं उनको कि किसी से मिलने नहीं दें, मगर बाहर निकाल के उनको एक सामाजिक एक सेटअप में परिवेश उनको उनको फंक्शनल बनाने के प्रति जागरूक करने का एक पूरा पर्पस है। आज की रैली का उद्देश्य यह है कि हम लोग समाज में डाउन सिंड्रोम के प्रति जागरूकता बढ़ाएं और इन बच्चों के लिए एक सामान्य जीवन जीने के लिए हम क्या प्रयास कर सकते हैं उनके बारे में हम सबको जागरूक करना चाहते हैं। भोपाल से EMS TV के लिए कैमरामैन डैनी खान के साथ राम पवार की रिपोर्ट।